तो भाई आज की कहानी होगी नैनेवेली फ़ोन की। नैनेवेली फ़ोन, फ़ोन मतलब पाप होगा, एक्चुअल में स्मार्टफोन। अब ऐसा है कि मैं इस फ़ोन के बारे में स्मार्टफोन के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। आप लोगों को खुद ही आइडिया लगाना है कि ये कौन सा फ़ोन है, स्मार्टफोन है। और मुझे मालूम है कि आप लोग पता लगा लोगे। मैं इसके कुछ फीचर्स बताऊँगा और आप लोगों को गेस करना है कि ये कौन सा मोबाइल और सही कौन सा स्मार्टफोन है। इस फ़ोन का रैम है 4GB। पता लगाओ दया, पता लगाओ कौन सा फ़ोन है। और इसका फ़ोन मेमोरी है 64GB एंड इसका बैटरी बैकअप है 4000 mAh। ओह mAh, माँ ब्लॉग मोहसिन अख्तर, मेरा चैनल का नाम ले लिया मैं, mAh ब्लॉग। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यह मोबाइल है वीवो का V9। ऑल थैंक्स टू वीवो। माय सब्सक्राइबर्स, आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये कोई फ़ोन नहीं है, ये एक डेमी फ़ोन है, मतलब डेमो फ़ोन है। आप लोग जो बोलो, कोई डेमो बोलता है, कोई डमी बोलता है, लेकिन इसमें लिखा है डमी फ़ोन। एंड मैं एक फ़ोन लेने वाला था तो दो दिन पहले मेरे फ्रेंड से पूछा कि कौन सा मोबाइल लूँ, तो हर किसी का जवाब अलग अलग आया। आप चाहे तो मैसेज चेक कर सकते हो, ये आपके डिस्प्ले पर कुछ आ रही होगा शायद, ये आपके शायद डिस्प्ले पर कुछ आ रहा होगा। तो हमने इन मैसेजेस को पढ़ के एक डिसीजन लिया कि हम ना ही सैमसंग का मोबाइल लेंगे, ना ही ओप्पो का लेंगे, ना ही वीवो का लेंगे, ना ही रेडमी का, ना ही एमआई का। ओह सॉरी, रेडमी और एमआई तो एक ही होता है, क्योंकि अगर मैं इनमें से कोई एक मोबाइल परचेस करता हूँ तो दूसरे लोग बुरा मान जाएंगे। एंड थैंक यू इतने सारे टिप्स देने के लिए, इतने सारे हेल्प देने के लिए। बट हम कुछ तो लेने वाले हैं और उसका प्राइस है 35,000, मेरे दिल के बहुत ही करीब। हीरो गोप्रो 7। बस कुछ ही महीने की बात है और वो हमारे हाथ में हो गया है। एंड वीडियो ख़त्म करने से पहले कुछ बातें बोलना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग मेरे ब्लॉग को देख के हंसते हैं या फिर मेरे मजाक उड़ाते हैं, उन लोगों को एक बार बोल दूँ कि कीप इट अप, आप लोग मुझे ऐसे ही इंसल्ट करते रहिए, क्योंकि आप लोगों की इंसल्ट ही मेरी ताकत है। थैंक यू। एंड वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करना, क्योंकि इतने दूर तक आए हो, कुछ तो करके जाओ भाई। एंड थैंक यू। गाय बहुत परेशान कर रहा है, वो गाय है, लड़की नहीं।